हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीयूज़ ऑयल केन और रीपर्पस ओल्ड लेडर। जी हाँ, आप लोग अपने घर का पुराना सामान जो किसी काम का नहीं रहता है उसे रीयूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में, किसी भी फॉर्म में। मैंने किया है प्लांट्स में। और ये देखिए, इस वीडियो की शुरुआत हो गई है हरे भरे खेत से, मेरा छोटा सा खेत। ये देखिए, ये है पालक जो कि उग गई है और ये कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए। और कुछ दिनों बाद मैं पालक की भी हार्वेस्टिंग करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखिए कि मैंने आज कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हार्वेस्ट करी हैं। ये है तोरई की बेल और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर तोरई लटकी हुई हैं। आज मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी। ये देखिए, जिस दिन हार्वेस्टिंग डे होता है उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि आज कौन कौन सी सब्ज़ियाँ मैं ढूँढ ढूँढ के हार्वेस्ट करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने तोरई आज हार्वेस्ट करी है और इसी के साथ साथ मैं और सब्ज़ियाँ भी हार्वेस्ट करूँगी। और ये है भिंडी का पौधा और लगे हाथ भिंडी भी हार्वेस्ट कर रही हूँ मैं। और जहाँ जहाँ मुझे पौधे में भिंडी नज़र आ रही है मैं उसे हार्वेस्ट कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये रही एक और भिंडी और जहाँ जहाँ मुझे दिख रही हैं मैं वहीं से ही भिंडी को हार्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके। और इसी के साथ साथ अब आती है बारी कि मैंने अपने घर की पुरानी लकड़ी की सीढ़ी का रीयूज़ कैसे किया। मैंने इसका रीयूज़ किया है करेले की बेल चढ़ा कर उसके ऊपर, और ये किसी काम नहीं आ रही थी तो इसे मैंने करेले की बेल इसके ऊपर चढ़ा दी। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, पूरी फैल गई है करेले की बेल और इस पे छोटे छोटे करेले भी लटक रहे हैं, ये देखिए। और अब करते हैं करेले की हार्वेस्टिंग। एक एक करके ढूंढ ढूंढ के मैं करेले की हार्वेस्टिंग करूँगी। और करेले भी इस टाइम पर खूब अच्छे आ गए हैं हार्वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, ये है एक करेला, कितना बड़ा हो गया है। और इसे भी हार्वेस्ट कर लेंगे और एक एक करके मैं सारे करेले हार्वेस्ट कर लूँगी। और इसे भी कर लेंगे हार्वेस्ट। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जब भी मैं इस करेले को बनाती हूँ सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट नहीं है। प्लांट्स उगाने में सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से है ये। और ये देखिए, बैंगन भी आने शुरू हो गए हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बैंगन की भी हार्वेस्टिंग की थी और ये अब नए बैंगन आने शुरू हो गए हैं उसके बाद से। ये देखिए, एक तो बड़ा भी हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं छोटे छोटे से बैंगन लगे हुए इसमें। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये वाला तो। और ये तो हो गया बैंगन की बारी। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑयल की केन को किस तरीके से यूज़ किया है। देखिए, इसको एकदम डिज़ाइन की तरह कट करके और इसमें मैंने प्लांट लगा दिया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, होममेड पॉट है ये। और ये एक और केन है और इसी तरीके से मैंने रीयूज़ किया है ऑयल की केन को। और इसमें तो पूरा भिंडी का पौधा ही आ गया है और भिंडी लगी हुई भी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग भी इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं
अपने घर में ऑयल की केन को या किसी भी चीज़ को जिसमें प्लांट ग्रो करे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।